इससे पहले हमने लास्ट टू ईयर्स हम इनिशिएटिव लेते आ रहे हैं यूथ पार्लियामेंट, इसका मतलब भी है कि दैट इज अ पार्लियामेंट ऑफ यूथ, इट्स अ पार्लियामेंट पार्लियामेंट ऑफ एवरी कश्मीरी यूथ, जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, यहाँ पे आए, अपनी बात रखे, अपने ओपिनियंस, अपने इश्यूज डिस्कस करे विद एडमिनिस्ट्रेशन, विद एजुकेशनिस्ट जो हमारे यहाँ पे हैं, विद पुलिस एंड अदर यू नो स्टेक होल्डर जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, उनसे बात करे। और आज भी हमने ये एक आज इनिशिएटिव यहाँ पे बारामूला में लिया यूथ पार्लियामेंट, जहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको बुलाया यहाँ पे खादी विलेज इंडस्ट्रीज के, उनको भी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उनको बुलाया, एजुकेशनिस्ट थे यहाँ पे इनको भी बुलाया, यहाँ के कुछ रिलीजियस प्रीचर्स थे इनको भी हमने बुलाया इसमें यूथ पार्लियामेंट में, हमने इसमें शामिल किया। यही था कि दैट रीजन यही था कि इनको हमारे जो युवा है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी बात रखे, जहाँ पे वो अपने इश्यूज डिस्कस करे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने हमेशा से इस इनिशिएटिव पे बात की है कि जहाँ पे चाहे वो गांव का लड़का हो, चाहे वो एजुकेटेड लड़का हो, चाहे वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, यही हमने इनिशिएटिव लिया कि वो अपनी बात रखे और इसका मेमोरेंडम बना के विल सबमिट इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और समहाउ जो हमारे जो गवर्नमेंट है वहां पे भी सबमिट करेंगे। आगबंगला बारामूला में सेव यूथ सेव फ्यूचर एनजीओ ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस प्रोग्राम में जो हमारे यूथ हैं पिछले कई साल से यहाँ के जो हालात हैं उसकी वजह से इन पर काफ़ी ब्रंट है और कई जगह इनको अब हमें हैंड होल्डिंग करके आगे फ्यूचर की तरफ इनको एक रोशनी दिखानी है, जिसमें चाहे गवर्नमेंट हो या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो उसका एक सीरियस रोल बनता है। और आज का जो प्रोग्राम था जिसमें कुछ बातें वुमेन एम्पावरमेंट की हुई, कुछ बातें मॉडर्न एजुकेशन की हुई, कुछ बातें रिलीजियस एजुकेशन की हुई, कुछ बातें करियर काउंसलिंग के हवाले से हुई, कुछ बातें जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट इस वक्त है स्टार्टअप्स को या एमएसएमईज को उसके हवाले से हुई। और मुझे यकीन है कि जो यूथ यहाँ पर जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया वो काफ़ी मुस्तफीद हुए और मैं मुबारक करता हूँ इस एनजीओ को कि एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने एक ऐसे जंक्चर पर ऑर्गेनाइज किया जिस पर इन जो हमारे बच्चे और हमारे यूथ हैं इनको इस सब चीजों की बहुत ही अशद जरूरत है। और मैं विमेंस विंग हेड सेव यूथ सेव फ्यूचर से हूँ और आज का जो प्रोग्राम है एक बार फिर से सेव यूथ सेव फ्यूचर ने ये कोशिश की कि यूथ पार्लियामेंट जो है उसका इनेकाद किया जाए और यूथ जो है उनको सामने लाकर उनसे एक बातचीत, एक थॉटफुल डायलॉग जो है वो क्रिएट किया जाए। और इस हवाले से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया था, जैसे हमेशा एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज से हमने उनके एक पर्सन को वहां से इनवाइट किया था और बाकी डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और बाकी रिलीजियस प्रीचर्स को भी इसमें इनवाइट किया था ताकि वो रिलीजियस एजुकेशन का क्या रोल है और मॉडर्न एजुकेशन का क्या रोल है आज के जमाने में, तो उन सब चीजों पर हम बात कर सके और खासकर जो विमेन फोक है उसके बारे में बात कर सके कि उनका क्या रोल बनता है और वो उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है हमारी सोसाइटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट यूथ पार्लियामेंट टुडे। It's going to visit the world in the aftermath. Every hectare you hear, today Facebook dropped 10,000 employees. Today Google dropped 15,000 employees. Now these are the toys of the world who have sustenance that they can almost surpass.